वीडियोस देखे मैंने। जी जानता हूँ मैं, मैंने सुना कि आपको पसंद नहीं आई। नहीं तो मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, एक्चुअली मुझे वो अच्छे लगे, लेकिन ज़ीनिया को मैं इस प्रोजेक्ट में रख नहीं सकती। तो फिर तो हमें मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, मैं इस काम में सिर्फ उसी की वजह से आया हूँ, अगर वो इसमें नहीं होगी तो मैं भी नहीं होऊंगा। अयास देखो, तुम हैंडसम और बासलाहियत हो, तुम इस काम में बहुत आगे जा सकते हो। कोई परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि पहले से ही करियर है मेरा। ज़ीनिया तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? दुनिया में सबसे अहम है वो मेरे लिए। तो ऐसी मोहब्बत की कहानियां अब भी हैं? माफ कीजिएगा, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे खुल के बताएंगी प्लीज? देखो, अगर ज़ीनिया तुम्हारे लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हें एक नई ऑफर करती हूँ। मैं जानती हूँ ज़ीनिया को पैसों की जरूरत है, मेरा ख्याल है वो चाहेगी उसका बाप ठीक हो जाए, और ये भी तुमसे पैसे लेना पसंद नहीं उसे। यानी कि आप सब कुछ जानती हैं बहुत अच्छी तरह। ऑफर मेरी ये है, तुम अगर ज़ीनिया के बगैर काम नहीं कर सकते, हम मिलकर फिर काम कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है मेरी, तुम्हें इस मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे। तुम्हारे साथ मैं कुछ अरसे के लिए नहीं, बल्कि चाहती हूँ लंबे अरसे साथ काम करें। सोच लो, अगर तुम ऑफर कबूल करते हो तो ज़ीनिया प्रोजेक्ट में रहकर अपने पैसे कमा सकती है, अगर तुम इनकार करते हो तो आई एम सॉरी, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं। वो काम के बारे में बात कर रहे हो, और क्या बात कर सकते हैं? इतनी देर से वो लोग कौन सी बातें कर रहे हैं? जल्दी आएं ताकि घर जाएं हम। अरे और क्या बात करेंगे, काम की बात कर रहे होंगे, क्या पता अयास के साथ काम जारी रखना चाहते हो। नहीं, क्या हो गया है? अयास ये बात कभी भी नहीं मानेगा। सब कुछ मुमकिन है लेकिन ये बिल्कुल नहीं, वो अपना सामान पैक करेगा और निकल जाएगा। अरे ये तो बताओ दोस्तों, क्या तुम लोगों ने मिस बैरल को देखा है? कैसी दिखती हैं वो? सच कहूं तो मैं भी उनसे पहले दफा मिला हूं। ओ, यहां तो सारे रिपोर्टर्स आए अम्मी। हाँ, लेकिन क्यों, किस लिए? कोई बात नहीं, चलो आज मिल ही लेंगे उनसे। वेलकम। थैंक यू। शुक्रिया। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मिस बैरल जल्द ही एक अहम बयान देंगी। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हीरो बनने जा रहे हो या फिर सब खत्म समझो? मेरी भी एक शर्त है, फिर कुछ भी आप ज़ीनिया को नहीं बताएंगी कि क्या बात हुई है, हत्ता कि आप उसे ये कहेंगी कि आप उसके साथ काम करके बहुत खुश हैं। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा झूठ बोलती हूँ मैं। तो चलो फिर एग्रीमेंट पे साइन करो। रिपोर्टर्स जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, तुम्हें देखने के लिए बेचैन है वो। अरे मुझसे पूछे बगैर सहाफियों को क्यों बुलाया है यहाँ? अंदाजा था तुम जरूर मानोगे। मैं यहाँ से कब निकलूंगी प्लीज बताइए मुझे। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। इंतजार करो, जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। मैम, आपने यहाँ पे हमें इसलिए बुलाया कि आपको एक अहम बयान देना है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको तुर्की के नए सितारे से मिलवाना चाहती हूँ। हमने इनके साथ एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किया है और मुझे यकीन है ये हमारे साथ मिलकर बहुत कामयाबी हासिल करेंगे।
तो ये है अयाज डांसर। सर, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है और आप क्यों? अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्यों लगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हैं? मिस्टर अयाज सर प्लीज कुछ तो बताइए। सर प्लीज कुछ तो कहिए, आप चुप क्यों हैं? मिस्टर अयाज अब आप ये जानना चाहेंगे कि आप फिल्म काम में क्यों आए हैं, क्या वजह है इस प्रोफेशन को चूज करने की? सर कुछ तो बताइए सर, हम सब सर हम बहुत ज्यादा क्यूरियस है, आपको नहीं पता प्लीज हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं आपको क्या वजह है। मुझे लगता है कि जीना को भी इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए। मिस जीनिया यहाँ आएंगी प्लीज? क्या मैं? चलो आ जाओ ना। मैडम क्या आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? मैडम आप कुछ बताना चाहेंगी? अयास ये सब क्या हो रहा है? मुस्कुराती रहो अभी बस। अच्छा जी, मिस जीनिया भी इस प्रोजेक्ट में मिस्टर अयास के साथ हैं। अभी आप इन दोनों को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन यकीन कीजिए जल्दी हर कोई इनके बारे में बात करेगा। मिस्टर अयास सर यहाँ देखिएगा। मुझे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुस्कुराती रहो, बाद में बताऊंगा। अयास मुझे बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? वाकई मुझे पसंद नहीं है। तुमने तो कहा कि मुझे निकाल दिया। मुझे लगा था आप उससे खुश नहीं है। दोबारा वीडियोस देखे थे मैं, फैसला भी उसी वक्त कर लिया। मैंने कहा बेटा प्लीज हमें जवाब दे दीजिए।